अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम बेटा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेसन है, अपने आप को हिलाक ना कीजिए, ये चांद किताब के सफ़ा नंबर 22 पर है। ठीक है, सबसे पहले आपने चांद के सफ़ा नंबर 22 पर तारीख और दिन लिखना है बेटा। उसके बाद आपने सबक अपने आप को हिलाक ना कीजिए की पढ़ाई करनी है। ये सबक है बेटा बुरे कामों के बारे में है कि हमें उनसे बचना चाहिए। ठीक है, और इसमें ये आपको सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है दीवार पर, जिसमें बहुत सारे लोग साइड पे खड़े हैं दीवार के, और ये इनकी आपस में क्या बातचीत चल रही है। पहले हम रीडिंग करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अब्बा जान, मैं तो बहुत से लोगों को ऐसी चीज़ें खाते पीते देखा है। अब वो बेटा कह रहा है अपने अब्बा जान से कि मैंने लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाते पीते देखा है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? जैसे नशे की वो चीज़ें हैं जी, शीशा, गुटखा, नस्वार, सिगरेट, ये बहुत सारी नशे की चीज़ें हैं जो मना हैं। ठीक है बेटा, ये बुरी आदतें हैं जिनको छोड़ना है, और जो लोग इनको अपनाए हुए हैं उनको भी रोकें। नेक्स्ट है, हाँ बेटा, लोग सिर्फ फैशन या रवाज समझकर ये बुरी आदतें अपनाते जा रहे हैं। इस तरह वो खुद भी बुराई की दलदल में फंस रहे हैं और उनके घर वाले भी मुश्किलात उठा रहे हैं। हम सबको अपना ख्याल रखने के साथ दूसरों को भी बुरे कामों से रोकना होगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं बेटा जो ऐसे नशे के काम करते हैं, तो आप उनको मना करें कि ये गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है, लोग बीमार हो जाते हैं और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है बेटा, पढ़ाई भी आपने करनी है और इसको गौर से देखना है। ये देखिए, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लोगों को बताया गया है कि ऐसी बातों को ना अपनाएं, सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपने घर वालों, खानदान वालों, दोस्तों, पड़ोसियों, तमाम जानने या ना जानने वालों को बचाना हमारा फर्ज है बेटा। ठीक है, शुक्रिया।